मेरे इस न्यू ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं राजस्थान के अंदर बीकानेर शहर में हूँ, एक स्कूल है उसके अंदर मैं हूँ और वहीं पे मैं वर्क कोच हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा है। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बाकी आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो ताकि आप यहाँ का नजारा अच्छी तरह से देख सकते हो। ये इनका फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट भी होती है। तो ये यहाँ पे लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ है, यहाँ पे पानी पटा होती है, यहाँ से पानी पटाते हैं। और फिलहाल अभी क्रिकेट का जो प्रैक्टिस यहाँ पे जारी लगी हुई है, तो यहाँ पे भी ट्रेनिंग के लिए बन ही रही है। तो गेट बंद है, नहीं तो आपको यहाँ पे दिखाता मैं। ये यहाँ पे इनका बैडमिंटन कोर्ट है, अंदर बास्केटबॉल कोर्ट है इनका, तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, बच्चे का है यहाँ पे। और शायद यहाँ पे इनका असेंबली होती है, यहाँ असेंबली ग्राउंड ही है यहाँ पे इनका, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे देख सकते हो। और ये स्कूल है इनका, यहाँ पे क्लासेस वगैरह होती है इनका। और इसके अंदर स्विमिंग पूल है। और ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे कोर्ट बनी हुई है, ये टेनिस कोर्ट है, तो यहाँ पे टेनिस का भी प्रैक्टिस होती है। और इनका ये है स्विमिंग पूल, तो फिलहाल बंद है तो अंदर मैं जा नहीं सकता हूँ। और ये रहा इनका स्कूल का गार्डन, जो बहुत अच्छी लग रही है शाम के टाइम में, यहाँ पे अगर बैठोगे तो और भी अच्छा लगेगी आपको। और ये एक बस है, स्कूल बस है, और यहाँ पे बच्चे का नर्सरी क्लास वाले का यहाँ पे वो झूला वगैरह बना हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्कूल है, क्योंकि अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सारे तो नहीं, फिर भी जितने करीब करीब आधे तो स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे। और अभी मैं स्कूल के बाहर आ चुका हूँ और मैं आपको स्कूल का बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा, क्योंकि स्कूल भी है ना कि सिटी के अंदर है नहीं, वो स्कूल सिटी से हल्का सा बाहर है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप बाहर निकलोगे तो जहाँ भी देखोगे सिर्फ वो रेत ही रेत दिखाई देगी, तो काफ़ी अच्छा आपको देखने का नज़ारा मिल सकता है यहाँ पे। और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ यहाँ का नज़ारा, क्योंकि इससे पहले मैं कभी देखा नहीं था। कि क्या है ना कि मैं पहली बार ही राजस्थान अभी आया हुआ, तो मैं जो भी देख रहा हूँ हर चीज़ मेरे लिए नया ही है यहाँ का। इधर का जो मिट्टी है वो मिट्टी नहीं, वो बस रेत ही रेत है, तो इतना मज़ेदार है। और ये जो देख सकते हैं, ये भी ये जो झाड़ी है ये भी कांटीला झाड़ी है। और बाकी जिधर जितना दूर भी आपका नज़र जा रही है, हर तरफ देखोगे तो सिर्फ कांटीला पेड़ वगैरह सब है। यहाँ पे धूप इतनी भयानक तरीके से पड़ रही है ना, क्या ही मैं बोलूँ आपको, क्योंकि अभी सुबह के 9 बज रही है और अभी इतना भयानक धूप है, तो आप समझ सकते हो अभी तो और टाइम बाकी है, समझ सकते हो ये ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। और इधर आपकी नज़र जा रही है तो देख सकते हैं यहाँ पे ये भेड़ बकरी वगैरह सब चरने आई है, तो बहुत इनको भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि पेड़ वगैरह सब काटिले पेड़ सब हैं, तो बहुत कम घास वगैरह सब है, तो बहुत दिक्कत होती है इनको भी चरने में। अब तक मैं स्कूल से ज़्यादा दूर भी नहीं आ चुका हूँ और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, क्या शानदार दिखाई दे रही है दूर से दूर तक। और इधर भी मतलब मेरे चारों बगल वो रेत ही रेत दिखाई दे रही है, तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे। कभी कभी शाम में इधर आ जाया करता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये लाइन सब बना पड़ा हुआ है, बिल्कुल दूर से आया हुआ है, लाइन सब बना पड़ा हुआ है। इधर से ट्रैक्टर आती है और ट्रैक्टर और जेसीबी वगैरह आती है, तो यहाँ से जो रेत वगैरह इधर से उठा के ले जाती है, काम वगैरह सब पड़ती है ना, तो वो लोग यहीं से उठा के लेके जाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है शहर से, सटा हुआ ये। और ऐसे भी अगर आप राजस्थान के हो तो आपको तो पता है, लेकिन अगर आप राजस्थान से बाहर के हो और आप कभी आए नहीं हो राजस्थान, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ का जो रोड तो है ठीक है, रोड है ठीक है, लेकिन रोड के बाहर आप देखोगे तो मिट्टी नहीं है, वो रेत ही रेत दिखाई देती है, ऐसा है। अगर कभी हवा वगैरह चलती है ना तो बहुत दिक्कत होता है इनको। और यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से लोग हमेशा अपना चेहरा वगैरह ढक के ही चलते हैं। तो मुझे भी पसीना वगैरह आ रही है, सोच सकते हो मुझे भी पसीना आ रही है, इतना ज़्यादा गर्मी है। अभी सुबह के 9 बज रही है और उसी में इतना ज़्यादा गर्मी है, तो 12-1 बजे कितना गर्मी लगती होगी, तो आप समझ सकते हो। और अब जो है मैं बिल्कुल ही शानदार जगह में पहुंच चुका हूं, मतलब जहां आप देखोगे, मतलब आप अपना चारों तरफ अगर आप अपना नज़र गड़ाओगे तो सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देगी आपको, तो बहुत ही शानदार जगह है। और यहां पे क्या है ना कि शाम में बहुत सारे लोग यहां पे घूमने आते हैं, दूर दूर से घूमने आते हैं यहां पे। और बहुत से लोग तो हैं कि वो अपना 4-व्हीलर सब लेके आके यहां पे ट्रैकिंग में आते हैं, वो ड्रिफ्ट वगैरह करते हैं यहां पे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहां पे शाम में। अगर मैं शाम में आता तो आपको मैं दिखाता कि यहां पे कितना भीड़ होती है। और अब मैं नीचे आ चुका हूँ पूरा रेतों के बीच में,
तो आप इधर से जिधर भी नजर गड़ाओगे सिर्फ रेत रेत दिखाई देगी आपको यहाँ पे। और क्या ही बोलूँ, ये जो रेत है ना काफी ज्यादा गर्म हो रखी है यार। मतलब सोच सकते हो आप, 9 बज रही है और उसी में इतना गर्म हो गई है। तब तो सोच सकते हो अगर आप शाम में आओगे, शाम में करीब अगर 3 या 4 बजे भी आप आओगे तो वो ज्यादा गर्म लगेगी। ये मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कोई चप्पल पहना हूँ फिर भी अगर मेरे पैर कभी अंदर घुस जाती है तो ऊपर से जब रेत पड़ती है तो गर्म लगती है। खाली पर तो आप चल नहीं पाओगे, जूते वगैरह ही पहन के चलना पड़ेगा, इतना ज़्यादा रेत गर्म हो जाती है। और 1 या 2 बजे आप आओगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप खाली पर चल भी पाओगे, या तो पैर मेरे को छाली पड़ जाएगी आपकी, इतना ज़्यादा रेत गर्म हो जाती है। दूर में देख रहे हो व्हाइट व्हाइट दिख रही हो आपको, ये सिटी है। तो सिटी से हम हल्का सा बाहर हैं, ये बीकानेर सिटी है। अगर आप इस चैनल में न्यू हो और ये आप पहली बार इस ब्लॉग को देख रहे हो तो मैं बोलना चाहता हूँ कि फिलहाल मैं आप वहीं पे रहूँगा, तो मैं आपको यहाँ का बीकानेर शहर का हर चीज़ आपको दिखाऊँगा और मैं तो घूमूंगा साथ में आप लोग को भी इस वीडियो के माध्यम से मैं घुमाऊँगा। तो अगर इस वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।